जैन धर्म के धर्मगुरु आचार्य श्री महाश्रमण की 7 साल चली अहिंसा पदयात्रा का दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में समापन हो गया। आचार्य श्री महाश्रमण ने ये यात्रा 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के लाल किले से शुरू की थी। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश लेकर आचार्य श्री महाश्रमण ने भारत के 20 राज्यों समेत नेपाल और भूटान तक इसे पहुंचाया। इस दौरान आचार्य श्री महाश्रमण ने 18,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस समापन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा शामिल हुए। आचार्य श्री महाश्रमण ने कार्यक्रम में मौजूद सभी अनुयायियों को इन तीनों संकल्पों की प्रतिज्ञा दी। आचार्य जी ने हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान के लिए यात्रा की और वहां भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का संदेश वहां की जनता तक पहुंचाया। जैन धर्म की सच्चाई से सभी अवगत हैं कि जैन धर्म भारत का ही नहीं विश्व का एक ऐसा दर्शन है, ऐसा धर्म है जिसका वर्थ और पाथेय दोनों अहिंसा है। मैंने अहिंसा में विश्वास करने वाला यह जैन धर्म है। अहिंसा की पराकाष्ठा यदि कहीं पर देखनी हो तो वह केवल जैन धर्म में ही अहिंसा की पराकाष्ठा देखी जा सकती है।